शिव का वो अवतार जिससे सारी दुनिया कांप गई। दरअसल कथा के अनुसार भगवान शिव का वास पहले से ही कैलाश में ही था और पृथ्वी लोक पर एक राजा था जिसका नाम दक्ष था। दक्ष ब्राह्मण का पुत्र था। दक्ष की संतानों में से एक सती भी थी। सती ने बचपन से ही सोच लिया था कि वह भगवान शिव से ही शादी करेंगी। राजा दक्ष शिव को पसंद नहीं करते थे, इसलिए जब सती का स्वयंवर रखा गया तो सबको बुलाया गया, लेकिन भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया गया। जबकि सती सिर्फ शिव से ही शादी करना चाहती थी, तब सती ने माला हवा में उछाली और शिव से आग्रह किया कि वह उन्हें अपना ले। वरमाला शिव के गले में आ गिरी। इसे देख दक्ष को ना चाहते हुए भी सती की शादी शिव से करनी पड़ी। इसके कुछ समय बाद दक्ष ने राजमहल में यज्ञ रखा जहाँ पर सबको आमंत्रित किया गया, शिव को नहीं किया गया। जब सती वहाँ पहुँची तो राजा दक्ष ने शिव का अपमान किया। यह सब देखकर सती उसी यज्ञ में अग्नि में जलकर अपनी आहुति दे दी और जब यह सब शिव को पता चला और वह गुस्से से भर गए, तब उन्होंने अपनी जटा का एक हिस्सा नीचे फेंका और इस तरह एक अवतार का जन्म हुआ जिसे वीरभद्र कहा गया। इस अवतार में भगवान शिव की क्रोध की अग्नि थी। तब भगवान शिव ने वीरभद्र को राजा दक्ष को मारने को कहा। राजा दक्ष को भी यह सब पता चल गया और उन्होंने भी दैवीय शक्ति वाली सेना भेजी वीरभद्र को रोकने के लिए, लेकिन वीरभद्र की क्रोध की अग्नि को रोक पाना असंभव था। तीनों लोक में से कोई भी वीरभद्र की शक्ति रोक नहीं पा रहा था। सारी की सारी सेना को वीरभद्र ने मिटाकर रख दिया। इसके बाद देवता ने भी वीरभद्र को रोकने की कोशिश की, लेकिन इतनी विनाशकारी शक्ति को संभालना असंभव था। इसी तरह वीरभद्र ने राजा दक्ष का सर भी धर से अलग कर दिया। दूसरी तरफ भगवान शिव भी सती का मृत शरीर लेकर तड़प रहे थे और क्रोध से तांडव कर रहे थे। तब भगवान विष्णु ने सुधर्वन चक्र से सती के शरीर के 52 हिस्से किए और जहाँ भी सती के शरीर के हिस्से गिरे वहाँ पर आठ शक्ति पीठ है। तब जाकर भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ और वीरभद्र का रूप दोबारा दिन में समा गया। ये थी SMS रिपोर्ट।